भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अस्पताल चौराहे पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया, इसके विरोध में पुतला दहन कर विरोध जताया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना ने कहा कि यह कांग्रेसियों की मानसिकता है, कांग्रेसी हमेशा मातृशक्ति का अपमान करते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान किया गया था। वहीं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशीला राजपूत ने कहा कि हुड्डा ने महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया है। उन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। देश की समस्त नारियां एकजुट होकर कांग्रेस का विरोध करेगी एवं कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस अवसर पर अमित नूना, सरोज राजपूत, साथ ही में सुशीला राजपूत, पूनम अग्रवाल, पुष्पा यादव, रानी सोनी और राजाबाई, वंदना जैन, विमला नायक, शशि प्रभा होडा और साथ ही में शोभा सिंघल, लक्ष्मी रैकवार, राहुल तिवारी, शैलेंद्र अवस्थी, प्रफुल्ल द्विवेदी, मुन्ना साहू, गोपाल राय, अनुराग वर्मा, भूषण वर्मा, रमेश प्रजापति, आशीष, नरेश तिवारी, सूरज कड़ा और साथ ही में पंकज प्रजापति, देवेंद्र वर्मा, पप्पू यादव, हरप्रसाद कुशवाहा, भज्जू लोधी, अक्षय जैन, अरविंद श्रीवास्तव, सुनील होडा और गोपाल बिंदुआ, साथ ही में अंकेश यादव, जन्मेजय तिवारी, रोहित खटीक, यागेंद्र सिंह और सनील यादव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।